सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव 2021 में आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में हमें फिर एक बार सरकार और सत्ता को बदलने का मौका मिलेगा। जो गलतियां हमने पिछली सरकार को चुनते वक्त की थी, उन गलतियों को सुधारने का भी मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक आपने हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को ही मौका दिया है। आपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कभी ये मौका नहीं दिया, लेकिन आपने बसपा की सरकार को भी देखा है और समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है। और कोरोना में होने वाली मौत और उसके फेलियर को आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी देखा है। मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, मेरे उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे कोने में रहने वाले नागरिकों, अब वो समय आ गया है जब हर प्रांत, हर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वाम दलों की सरकार हो। आज केरल, जिसका मॉडल पूरे विश्व में विख्यात हुआ है, कोरोना के इस जंग में केरल सरकार ने जिस सूझबूझ और नीति से कोरोना से लड़ने का काम किया है, उसकी तारीफ दुनिया के हर देश ने किया है। अमेरिका और इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे लोगों ने केरला मॉडल को सराहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को भी मौका देना चाहिए। हमने 35 साल का शासन पश्चिम बंगाल में दिया था, त्रिपुरा में भी काफ़ी लंबे सालों तक हमारा शासन रहा, केरला में भी हम शासन दे रहे हैं। अगर इन 3-4 राज्यों में अगर आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम दूसरे से अलग क्यों हैं, क्यों इन राज्यों में इतनी व्यवस्थित, इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार ने दे रखी है। इस देश को केरला मॉडल की ज़रूरत है और ये सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी दूसरी वाम दलों की सहयोगी पार्टियां ही दे सकती हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, मैं चाहता हूं कि एक बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जिताने का और उन्हें वोट देके विजयी बनाने का आप जरूर प्रयास करें, क्योंकि केरला मॉडल ही हम पूरे भारतवर्ष में देना चाहते हैं। नमस्कार, लाल सलाम।